11वीं इतिहास पाठ 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस्लाम का उदय, अरब में इस्लाम का उदय, इस्लाम की शिक्षा और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं सबके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है, 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? इसका जो उत्तर है, पहला है इतिवृत्त अथवा अव रीख, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक कृतियां जैसे जीवन चरित, पैगंबर के कथन और कृत्यों के अभिलेख, कुरान की टीकाएं, तीसरा है कानूनी पुस्तकें, भूगोल यात्रा वेतांत, चौथा है साहित्यिक रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं। दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? इस घटना का इस्लाम के इतिहास में क्या महत्व है? इसका जो उत्तर है, मक्का छोड़ने का कारण वहां के समर्थ लोगों का विरोध था। दूसरा है उन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना अच्छा नहीं लगा। तीसरा है 622 ईस्वी में पैगंबर द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरा कहा जाता था। चौथा है इस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तीसरा जो क्वेश्चन है, खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया? इस संस्था के क्या उद्देश्य थे? संक्षेप में लिखिए। इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद वैद पैगंबर का अभाव। दूसरा है मुसलमानों में मतभेदों को दूर करने के लिए खिलाफत संस्था का निर्माण। तीसरा है समुदाय के नेता को पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा माना गया। खिलाफत के उद्देश्य, पहला है कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, दूसरा है राज के लिए संसाधन जुटाना। चौथा क्वेश्चन है उमय्याद वंश के अब्द अल मलिक ने अरब इस्लामी पहचान के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए? किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। पहला है इस्लामी सिक्के चलाए जिन पर अरबी भाषा में लिखा गया, जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनाया गया। पांचवा जो क्वेश्चन है, धर्म युद्धों का ईसाई मुस्लिम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? संक्षेप में विवरण दीजिए। इसका जो उत्तर है, पहला है मुस्लिम राज्यों ने ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी। दूसरा है पूर्व तथा पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली का प्रभाव बढ़ गया। छठवां जो क्वेश्चन है, इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं संक्षेप में लिखिए। इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, पैगंबर मोहम्मद खुदा का संदेश वाहक है।
दूसरा है केवल अल्लाह की ही इबादत की जाना चाहिए। तीसरा है दैनिक प्रार्थना दिन में 5 बार। चौथा है खैरात बांटना। पांचवा है चोरी ना करना। छठवा है जीवन में 1 बार हज मक्का की यात्रा करना। अब इसके बाद ये 4 अंक वाले हैं क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अरब प्रदेश के बड़े भाग को अपने धर्म समुदाय और राज में लाने में सफलता प्राप्त की, इसका विवरण दीजिए। पहला है मदीना में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की। दूसरा है आंतरिक लड़ाइयों का समाधान किया। तीसरा है उम्मा को एक बड़े समुदाय में बदला। चौथा है उपवास जैसे कर्म कांड और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और परिकृष करके धर्म का सुदृढ़ किया। पांचवा है आय के स्रोत, कृषि व्यापार और जकात खैरात कर। पैगंबर मोहम्मद के प्रयासों के कारण मदीना उभरते इस्लामी राज की प्रशासनिक राजधानी और मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, अब्बासी राज के 9वीं शताब्दी में कमजोर होने के कारणों तथा परिणामों का कारण दीजिए। इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, सेना और नौकरशाहियों में अरब समर्थक और ईरान समर्थकों गुटों में झगड़ा। दूसरा है 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध। तीसरा है तुर्की गुलाम अधिकारियों द्वारा एक नए शक्ति गुट का निर्माण। परिणाम, इसके जो परिणाम क्या थे इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कई नए छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए, जैसे ताहिरी समानी तुलनी। दूसरा है वहाई नामक शिया वंश में 945 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार कर लिया। तीसरा जो क्वेश्चन है, इस्लामी राज में कृषि व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, व्याख्या कीजिए। इन विशेषताओं से पढ़ने वाले विवेचना करो। इसका जो उत्तर है यह इस प्रकार है, पहला है लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि। दूसरा है जमीन के स्वामी छोटे बड़े किसान तथा राज्य थे। तीसरा है कर राज्य की ओर से एकत्र किया जाता था। चौथा है गैर मुसलमान उपज का आधे से लेकर 1/5 हिस्से के बराबर कर देते थे। छठवां है राज्य द्वारा सिंचाई की प्रणालियों बांधों और नहरों के निर्माण तथा कुओं की खुदाई के लिए सहायता। सातवां है पहली बार खेती करने पर कर में रियायत। प्रभाव, इसके प्रभाव क्या पड़े इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा है कई कई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती शुरू हुई और यूरोप को इनका निर्यात किया गया। चौथा क्वेश्चन है, चौथा जो प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मध्यकालीन इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन
और विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, उमयाद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वान से यूनानी और सीरियाक भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करवाया। दूसरा है, ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना का विकास किया। तीसरा है, सिकंदरिया सीरिया और मेसोपोटामिया में यूनानी दर्शन गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। चौथा है, अल मामून के शासनकाल में बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान को सहायता दी गई। पांचवा है, अरस्तु, अरस्तु की पुस्तकें यूक्लिड की एलिमेंट और टोलेमी की पुस्तक एल्मा गैस की और विद्वानों का ध्यान आकर्षित। छठवां है, खगोल विज्ञान गणित और चिकित्सा के विषय में भारतीय पुस्तकों का अरबी अनुवाद किया गया। पांचवा जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन मुस्लिम समाज के व्यापार एवं वाणिज्य की जानकारी देते हुए यह बताइए, इसका मुद्रा के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर इस प्रकार है, व्यापार दो मुख्य मार्ग लाल सागर तथा फारस की खाड़ी से होता था। दूसरा है, मसालों कपड़े चीनी मिट्टी की वस्तुएं तथा गोला तथा बारूद को भारत चीन से लाल सागर तथा फारस द्वारा लाया जाता था। तीसरा है, भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किया जाने वाला निर्यात यहूदी व्यापारियों के हाथ में था। चौथा है, चौथी शताब्दी में काहिरा के उभरने से तथा इटली में पूर्वी माल की बढ़ती मांग के कारण लाल सागर का महत्व बढ़ गया। पांचवा है, ईरानी व्यापारी चीनी वस्तुएं लाने बगदाद से बुखरा तक समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन बच्चों, मैंने आपको जो इस्लाम का उदय और विकास जो हुआ है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, और ईरानी व्यापारी जो चीनी वस्तुएं लाने बगदाद से बुखारा तथा समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे, तो कैसे उनका जो मुद्रा का जो प्रसार हुआ है उसके बारे में आपको बतला रहा हूं। पहला है, जो राजकीय कोष प्रणाली और बाजार के लेन देन में मुद्रा का प्रसार बढ़ गया। सोने चांदी और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। तीसरा है, बहुमूल्य धातुएं और सिक्के पूर्वी व्यापार की वस्तुओं के बदले यूरोप में आते थे। धन की बढ़ती मांग के कारण संचित भंडारों और बेकार संपत्ति का उपयोग होने लगा। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया।